स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की। जी हां, उत्तरकाशी में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में 26 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना से तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस उत्तरकाशी के दुमटा में खाई में गिर गई और 28 यात्रियों से भरी बस से देर रात तक 26 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश उत्तराखंड दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री आज घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। रात के अंधेरे में चल रहा ये रेस्क्यू ऑपरेशन उस हादसे का है जो रविवार देर शाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ। रविवार को यहां उत्तरकाशी जिले के दमटमा के पास श्रद्धालुओं से भरी एक बस खाई में जा गिरी। बस में सवार सभी 30 यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे। खबर है कि अब तक 26 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। हादसे पर पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, मैं उनके प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव सहायता में जुटा है। इस ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने घटना में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक राहत देने का ऐलान किया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। उधर घटना की सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तरकाशी के लिए निकल पड़े। देर रात वो देहरादून पहुंच गए, जहां कंट्रोल रूम से वो खुद राहत और बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे थे। इसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुए मरीजों से मिलने अस्पताल भी गए और वहां उनका हाल जाना। कैसी हो आप? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? चिंता मत करो, मैं शिवराज सिंह हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ आपका, आ गया हूँ। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप ठीक हो जाए। खबर है कि आज वो घटना स्थल पर जा सकते हैं। हालांकि उत्तरकाशी जाने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक राशि देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा कंट्रोल रूम में उन्होंने खुद राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की, साथ ही जिला प्रशासन को तेजी से राहत कार्य करने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ आज वो घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड सीएम ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। फिलहाल इस घटना पर जांच के आदेश दिए गए हैं। वैभव परमार और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोतिहारी के सुगौली रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस की सजगता से एक महिला की जान बच गई। मुजफ्फरपुर की महिला सुगौली जंक्शन से रक्सौल के लिए